एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के इंग्लिश का सैंपल पेपर, जो कि फाइनल टर्म के लिए है। तो आइए पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पेपर पैटर्न हमारा किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर हमारा जो है वो 3 घंटे का होगा, ठीक है, और जो पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का आएगा। सबसे पहला जो आपको पैसेज दिया जाएगा और उसके जो क्वेश्चन पढ़ के आपने एमसीक्यू बेस्ड जो है ये क्वेश्चन होंगे, आपने आंसर जो है वो इसमें पैसेज में से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो विच एनिमल इज द टॉलेस्ट एनिमल ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स, कितना कौन सा सबसे टॉलेस्ट है? जिराफ, ठीक है। तो जिराफ पे टिक कर देते हैं। हाइट ऑफ फीमेल जिराफ कैन गो अप टू, तो फीमेल जिराफ की हाइट जो है वो कहाँ तक जा सकती है? 15 फीट तक, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। हाइट ऑफ मेल जिराफ कैन गो अप टू, मेल जिराफ की हाइट जो है वो कहाँ तक जा सकती है? 18 फीट तक। विच मेक द जिराफ नेक फ्लेक्सीबल, तो इसमें से किस वजह से जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है? तो बोन्स आर अटैच्ड टू वन अदर विद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो बॉल और सॉकेट जॉइंट की वजह से इनकी नेक जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। विच इज द फेवरेट डाइट ऑफ जिराफ, जिराफ की जो फेवरेट डाइट है वो क्या है? तो अकेशिया लीव्स होते हैं उनकी फेवरेट डाइट, बट यहाँ पर अकार्सिया लिखा है, इस करके हम नन ऑफ द अबव कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सी द पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, पोस्टर को ध्यान से देखो और क्वेश्चन करना का आंसर करना है आपने। एक एक नंबर की ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? तो ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैफिक लाइट है। वेयर डू वी सी दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर देखते हैं? सड़कों पर देखते हैं, ऑन द रोड्स। द ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू, ये ऑब्जेक्ट किस चीज से रिलेटेड है? रूल्स ऑफ रोड से। विच लाइट सेज अस टू स्टॉप, कौन सी लाइट हमें रुकने को कहती है? रेड लाइट। येलो लाइट सेज अस टू, येलो लाइट जो है वो हमें क्या कहती है? वेट करने को कहती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे वो है कि हमें जो है वो कॉन्वर्सेशन दिया गया है, कॉन्वर्सेशन को ध्यान से पढ़ना है, फिर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 आपसे एक एक नंबर का ये क्वेश्चन है, उनके आंसर आपने करने हैं, ठीक है। व्हेयर डज द कस्टमर गो टू, कस्टमर जो है वो कहाँ पर गया था? तो यहाँ पर बुक्स खरीदने गया है ना, तो वो जो है वो कहाँ पर गया था? बुक शॉप पर। What does the customer want? Customer जो है वो क्या चाहता है? तो customer जो है यहाँ पर लिखा है कि वो book खरीदना चाहता है, ठीक है। I want to buy a few book. तो book जो है वो खरीदना चाहता है यहाँ पर, buy a few books, ठीक है। इसके बाद जो है next question आपसे पूछा गया है कि which writer's book the customer want to buy? कौन से writer की वो book खरीदना चाहता है? Shakespeare की और आर के नारायण की, ठीक है। आर के नारायण, Shakespeare दोनों, तो both A and B. When will the customer get the books? Customer को book जो है वो कब मिलेगी? तो customer को book जो है वो मिलेगी Monday को, on next Monday बोला है, but option में next Monday है नहीं, तो हम on Monday कर रहे हैं, ठीक है। How much money the customer have to pay for the book? Customer को book के लिए कितना pay करना पड़ेगा? 150 rupees, ठीक है। अगला question literature part से लिया गया है, answer any 3 question, किसी 3 question के answer करने हैं, 5 question आपसे पूछे गए हैं। What places do the trains go? Train किन किन जगहों से जाता है? पहाड़ों पर से, mountains, plains और rivers से। What did Akbar want to know? अकबर जो है वो क्या जानना चाहते थे? Akbar wanted to know from Birbal that whether he thinks a man could do anything for money, कि वो जानना चाहते हैं कि क्या इंसान जो है वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, Who was the first Indian to climb Mount Everest? तो सबसे पहला इंडियन कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे? तो कैप्टन अवतार सिंह चीमा, और कब चढ़े थे? May 20, 1965 को, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द किंग वरीड अबाउट तानिया द प्रिंसेस? तो तानिया के बारे में क्यों चिंतित था राजा? बिकॉज शी नेवर स्माइल्ड, क्योंकि वो कभी भी मुस्कुराती नहीं थी या कभी खुश नहीं होती थी। व्हाट डिड सागर फाइंड इन द लाइब्रेरी? सागर ने लाइब्रेरी में क्या ढूंढा? तो सागर ने एक प्राचीन किताब जो है वो लाइब्रेरी में ढूंढी, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपने इनके मीनिंग्स जो है वो पंजाबी में देने हैं, कि 3 शब्दों के देने हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है आपने। द हंटर फाउंड अ, तो हंटर को क्या मिला था? हंटर को मिला था बक, ठीक है। इसके बाद है, द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो कितनी है? 29,028 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट बिटवीन 20,000 to 29,020 feet, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रूट है उसको क्या बोलते हैं? डेथ जोन नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपको वर्ड सेंटेंस, मतलब वर्ड्स दिए गए हैं, उनके सेंटेंसेस बनाने हैं, किन्हीं 3 वर्ड्स के बनाने हैं। अचीवमेंट यानी कि कोई चीज अचीव करना, हासिल करना। गेटिंग द प्रोजेक्ट डन ऑन टाइम वॉज रियल अचीवमेंट, तो प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे खत्म हो गया, सबसे बड़ी जो है वो अचीवमेंट थी, ठीक है। एक्सपेडिशन का मतलब होता है जर्नी यानी कि यात्रा। We are going on a shopping expedition on Saturday. हम सैटरडे को शॉपिंग पर जा रहे हैं, ठीक है।
दिस बिल्डिंग इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। डांस, आई लव टू डांस, मुझे डांस करना पसंद है। चेयर, माई मदर इज सिटिंग ऑन द चेयर, मेरी मदर जो है वो चेयर पे बैठी है। वॉक, वी शुड टेक मॉर्निंग वॉक डेली, हमें मॉर्निंग वॉक जो है वो रोज लेनी चाहिए। ठीक है, अब आपको कुछ जो है वो मतलब कि सेंटेंस को अरेंज करना है आपने, ठीक है, ताकि इनका जो है वो मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो बन सके। फेरोशियस लाइंस एनिमल्स आर, तो यहाँ पे ये बन जाएगा लायंस, एल कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ। लायंस आर फेरोशियस एनिमल्स। जो नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा वो है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज दी हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, इन द सोलर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, स्टेंजा को रीड करना है और इनके आंसर्स करने हैं। राइट द नेम ऑफ द पोएम, तो पोएम का नाम क्या है? ट्रेन्स। व्हाट प्लेसेस डू द ट्रेन्स गो टू, ट्रेन जो है वो कहाँ कहाँ से जाता है? माउंटेन्स, प्लेन्स और रिवर्स से। व्हाट डू दे कैरी, वो क्या अपने साथ लेकर जाते हैं? पैसेंजर्स को लेकर जाते हैं, मेल लेकर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। वोकैबुलरी है 6 नंबर की। गिव द एंटोनियम ऑफ, तो एंटोनियम यानी कि अपोजिट, तो लॉयलिटी का जो है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसलॉयलिटी। ठीक है, डिसलॉयलिटी, और रिस्पेक्ट का हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट। इसके बाद जो है वो फाइंड सफिक्सेस इन द फॉलोइंग वर्ड, सफिक्स फाइंड आउट करना है। यानी कि देखो, प्रीफिक्स होता है वो वर्ड से पहले लगता है, और सफिक्स जो होता है वो बाद में लगता है। ठीक है, तो सफिक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ईडी जो है सफिक्स है, और इधर जो है वो ईआर जो है वो सफिक्स है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हचिको वॉज अ लॉयल या डिसलॉयल डॉग, तो वो जो है वो फेथफुल डॉग था। ठीक है, यानी कि लॉयल डॉग था। इसके बाद है, द बॉय हैड नो फ्रेंड्स बिकॉज, तो लड़की का कोई भी दोस्त क्यों नहीं था? क्योंकि वो बुरे शब्दों का यानी कि बैड लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करता था। नेक्स्ट है, डू एज डायरेक्टेड, 11 मार्क्स का है। यहाँ पर आपने डिटरमिनर जो है वो फिल करना है। ठीक है, आई हैव गुड आइडिया, तो गर्ल। ठीक है, आई हैव अ गुड आइडिया। ठीक है, इसके बाद जो है वो डैश पीपल लिव इन योर सिटी, हाउ मेनी, कितने लोग। पुट द करेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है वो यूज करना है यहाँ पर। माई सिस्टर इज स्टडिंग हार्ड बिकॉज, यहाँ पर शी आएगा बट ये जो है वो हैज होगा। ठीक है, शी हैज टेस्ट टुमारो। पुट द सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो है वो फिल करना है। वी वेंट यहाँ पे आ जाएगा बाय। ठीक है, वी वेंट बाय बस। नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड, तो बुक जो है वो क्या है? बुक जो है वो क्या हो जाएगा? नाउन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, तो शट द डोर जो है वो किस तरीके का सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगला है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सो और बिकॉज, सो और बिकॉज का इस्तेमाल करते हुए इसको करना है। आई एम फील स्लीपी, मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, तो बिकॉज। ठीक है, इसका ही डिडंट स्टडी हार्ड, वो बहुत मेहनत जो है वो नहीं करता, सो ही फेल्ड द टेस्ट, और इस वजह से वो टेस्ट में फेल हो गया। इसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने एलवाई को यूज करते हुए ये वर्ड जो है वो इनको जो है वो कह सकते हो कि एलवाई इसमें बेसिकली लगाना है, तो मेन जो है वो मेनली बन जाएगा और जनरल जो है वो जनरली बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, पुट द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो एशिया इज द लग गया यानी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो लार्जेस्ट, द क्लासेस्ट वॉज, अब यहाँ पे देन लगा है यानी कि कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। इजियर देन वी हैड एक्सपेक्टेड, जितना हमने उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा इजी टेस्ट था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। आगे चलते हैं लेटर राइटिंग पर। यहाँ पर आपने अंकल को जो है वो लेटर लिखना है, तो क्योंकि उन्होंने आपको जो है वो गिफ्ट दिया है आपके बर्थडे पर। ठीक है, तो इस करके आप उनको जो है वो थैंक यू बोलेंगे। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर जो है वो यहाँ पर जिनको आप लेटर लिख रहे हो उनका एड्रेस आएगा, और फिर लेटर जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो लेटर प्रिंसिपल को लिखना है, एप्लीकेशन है बेसिकली ये, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है फी कंसेशन के लिए यानी कि फीस माफी के लिए। ठीक है, वो लिख के इसके बाद फिर जो है वो पैराग्राफ जो है वो लिखना है आपने किसी भी एक टॉपिक पर।
या तो आप स्कूल लाइब्रेरी पर लिख दो, या फिर जर्नी बाय बस लिख दो, या फिर तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि ग्रीडी डॉग पे स्टोरी लिख दो। ठीक है, अगला है 15th क्वेश्चन। यहाँ पर जो है वो आपने अपने फ्रेंड को बर्थडे मैसेज जो है वो करना है, क्योंकि आप उसका बर्थडे जो है वो विश करना भूल गए हो उसे। ठीक है, और या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या अगला क्वेश्चन है यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपने एक नोटिस मेंशन करना है दैट योर स्कूल इज गोइंग टू होल्ड अ साइंस एग्जीबिशन, कि आपका स्कूल जो है वो साइंस एग्जीबिशन जो है वो होल्ड कर रहा है 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ को, और ये जरूरी है दैट ऑल द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एंड मेक अ साइंस प्रोजेक्ट, कि सभी स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करें और साइंस प्रोजेक्ट बनाए। जो फाइनल सिलेक्शन है साइंस प्रोजेक्ट का वो जो है वो एग्जीबिशन से एक सप्ताह पहले किया जाएगा, और क्लास टीचर को जो है विल सेलेक्ट द 3 प्रोजेक्ट्स इन ईच क्लास, तो हर क्लास में क्लास टीचर जो है वो 3 प्रोजेक्ट को जो है वो सेलेक्ट करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चन है ये हम पहले वाले सैंपल पेपर में कर चुके हैं। ठीक है, आई थिंक प्री बोर्ड का सैंपल पेपर था। इसके बाद जो है आप उसको एक बार जरूर देख लेना, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पंजाबी, जो सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको इसको आपने पंजाबी में ट्रांसलेट करना है किसी भी 3 सेंटेंसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो पंजाबी में सेंटेंसेस दिए गए हैं उसे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वो भी किसी 3 सेंटेंसेस को। पेपर बच्चों बहुत ही साफ सुथरा करना, क्योंकि अच्छी हैंडराइटिंग के 5 मार्क्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो हो जाती है खत्म। इनके साथ आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।